चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर फिर से। अपन तीसरा लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का एनसीईआरटी बेस्ड अपन कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं जो हम अपने दोनों होनहार छात्र से पूछेंगे। अगर इन्हें नहीं पता होगा तो इन्हें पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो एक एक करके हम इनसे पूछेंगे पुरानी बातें, है ना। हाँ खड़े हो जाओ दिव्यांश, वाशु खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। डिफाइन मोबिलिटी क्या होता है वीडी और ई हाँ तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, है ना। मैं बताया जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे उतना इलेक्ट्रॉन भागेंगे, तो एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना भाग रहे हैं दैट इज मोबिलिटी। जितना ज्यादा भागेंगे उतना मोबिलिटी है उनके अंदर, मूवमेंट है, फ्री है वो जाने के लिए, है ना। बैठ जाओ। हाँ भैया, भाई साहब खड़े हो जाओ, है ना। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, जरा मुड़े पीछे, जरा पीछे मुड़िए, जरा पीछे मुड़िए, आपका पूरा सर आ रहा है खाली उसमें। नहीं हो गया था, जाने दो, ये काफी दूर देखते। बैठ जाओ, पढ़ के आया करो पुराने क्लास का। आप तो नोट्स वोट्स भी दे रहा हूँ, वीडियो भी दे रहा हूँ पूरा। हाँ आगे, अगली बार कैमरा नीचे हो जाएगा बता दे रहा हूँ, एक क्लिक में ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। आप चाहते हो कि हम कैमरा ढक दें? चलो चलो इधर देखो आगे पढ़ते हैं अपन, है ना। तो बहुत सारा टॉपिक आपका हो गया था। कौन कौन सा टॉपिक हो गया आपका? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, यहाँ तक हो गया था, है ना। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल में बैटरी का कॉम्बिनेशन नॉर्मल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ था। इलेक्ट्रिकल पावर हुआ था क्या? एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर नहीं हुआ था। चलो इसको बता देते हैं, है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी नहीं हुआ था, है ना। बस मोबिलिटी तक अपन सारा टॉपिक कर लिए थे उसको छोड़ करके, है ना। चलो अब रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल देख लिए थे। अब सिंपल सी बात है, देखो एकदम सिंपल सा है, इसको कोई ज्यादा घुमा फिरा के लंबा चौड़ा खिस्तान के नहीं बताना है। सिंपल अपन ने क्या पढ़ा, जब फैक्टर पढ़ा तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर का, यस और नो? लाइट बोले भैया चालू है, लाइट चालू है, एसी है ना। चलो तो अपन ने क्या देखा कि जैसे ही अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। अब रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है ना। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर का अंतर करोगे ना तो लेंथ और एरिया में लगभग कोई चेंज नहीं आए। थोड़ा बहुत आता है, आपने 11th में पढ़ा होगा थर्मल एक्सपांशन, गर्म करने में चीजें फैलती हैं, बड़ी होती हैं, बट कितना चेंज आता है? बहुत हल्का सा चेंज आता है ना। अब इतना बड़ा कंडक्टर है या रेजिस्टर है उसमें कितना ही चेंज आएगा, तो अपन एरिया और लेंथ का जो इसमें चेंजेस है उसको ना के बराबर मानेंगे। तो फिर क्यों बढ़ा? अगर लेंथ एरिया कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा? क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ी। क्या बढ़ी? रेजिस्टिविटी। अब यही जो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है उसका एक फॉर्मूला है कि वो किस तरीके से बढ़ रही है ना। तो जो रेजिस्टिविटी फाइनल होगी वो क्या होगी? रेजिस्टिविटी इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब मैं बता दूं डेल्टा टी क्या है। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो या तो आप केल्विन में लो या सेल्सियस में, बात एक ही है ना। हाँ फारेनहाइट में चेंज मत लेना, वो अलग आएगा, ठीक है। तो यह चेंज जो है डेल्टा टी वो अपन किस में लेंगे? या तो केल्विन में या फिर सेल्सियस में, क्योंकि चेंज है तो लगभग सेम आएगा, लगभग क्या सेम ही आएगा दोनों का, है ना। चेंज आई ये इनिशियल मतलब इनिशियल रेजिस्टिविटी, ये क्या है? फाइनल रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद या कम करने के बाद। अब ये अल्फा क्या है? ये अल्फा आपका एक कांस्टेंट है जो हर मटेरियल का अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग होता है हर मटेरियल का, है ना। अल्फा इज अ कांस्टेंट जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। ठीक है, यहां पर देखो लिखा हुआ होगा आपको यहां पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी,
ठीक है, ये अल्फा कांस्टेंट है और ये आपका फिक्स्ड होता है, हर अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला है, खाली वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं। अगर आपको बोल दिया कि भैया इनिशियल रेजिस्टेंस इतना था 20 डिग्री सेल्सियस में, तो बताओ 40 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, अल्फा दे दिया होगा तो पूरी वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट फाइनल आ जाएगा। या कई बार क्या हो जाएगा, फाइनल रेजिस्टिविटी दे देगा, इनिशियल दे देगा, इनिशियल टेम्परेचर दे देगा, फाइनल पूछ लेगा, तो मतलब कुछ भी इसमें से दे देगा और कुछ एक पार्ट पूछ लेगा। तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और इससे ज्यादा कुछ भी यहाँ पर। इज दैट क्लियर, है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला है जहां पर ये अल्फा है कांस्टेंट। अच्छा, अल्फा की यूनिट क्या है, देखो अल्फा, देखो ये भी रेजिस्टिविटी, ये भी रेजिस्टिविटी, इधर सुनो, हाँ के कांस्टेंट है उसकी यूनिट नहीं है, कैपिटल जी कांस्टेंट है उसकी यूनिट नहीं है, फिर है ना कांस्टेंट है उसकी यूनिट है। कई चीज की यूनिट इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है, तो अपन उसकी यूनिट डिफाइन कई बार नहीं करते हैं। कई चीज ऐसी भी है जिनकी यूनिट्स नहीं है, जिनका डायमेंशन नहीं है, है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी है नहीं। ये अल्फा कांस्टेंट है लेकिन इसकी यूनिट होगी। अब देखो देखो इधर ध्यान दे दो, यहां ध्यान से देखो पहले फिर लिखना, ये भी रेजिस्टिविटी, ये भी रेजिस्टिविटी, तो अपॉन में जाएगा तो पूरा यूनिट कट जाएगा। मतलब अल्फा इंटू टी का, अल्फा अल्फा इंटू टेम्परेचर का, चेंज इन टेम्परेचर का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, मतलब नो यूनिट, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो मतलब अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी, 1 बाई केल्विन, ऐसा यूनिट में है ना, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है, 1 बाई केल्विन इंटू केल्विन, कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए अल्फा की जो यूनिट है वो खाली क्या है, पर केल्विन, क्या है, पर केल्विन, ठीक है। पर यूनिट केल्विन के लिए अपन डिफाइन करते हैं वैल्यू, हर मटेरियल की अलग अलग अल्फा होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब यहां पर एक बात और देखो, अगर मेरा मन कर रहा है दोनों साइड एल बाई ए से मल्टीप्लाई करने का, कर सकता हूं, तो इधर भी एल बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया, रो फाइनल इज इक्वल एल बाई ए से, इधर भी एल बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया, रो इनिशियल, बाकी तो पूरा वैसा ही है, अल्फा डेल्टा टी। अब बताओ इनिशियल रो इंटू एल बाई ए, रो एल बाई ए, अरे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया, मतलब ये क्या बन गया, इनिशियल रेजिस्टेंस, और क्या बन गया, फाइनल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फाइनल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनिशियल इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो एक बात और बता दूं छोटी सी, सुनो, ये अल्फा रेजिस्टिविटी के लिए या रेजिस्टेंस के लिए सेम फॉर्मूला है ना, यहां कई जगह आर लिखा रहता है, आर नॉट, आर नॉट मतलब इनिशियल, आप कैसे भी लिख सकते हो। अब एक बात और याद रखना, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये बात बताया था फैक्टर बताते समय कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो उस केस में जो आपका अल्फा आएगा वो आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव, कि मतलब भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो उसमें। लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस कम होता है, तो उस केस में अल्फा क्या होता है, नेगेटिव। बात समझ में आई, तो कंडक्टर के लिए अगर आपको पूछ ले कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव कंडक्टर के लिए, और सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव। बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अभी अपन करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल है, कोई कॉन्स्टेंट है ना, अपन ने देखा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लस इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टिविटी कितना था, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर आप देखोगे इसको फॉर्मूला को, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी फाइनल क्या हो गया, रेजिस्टिविटी इनिशियल प्लस रेजिस्टिविटी इनिशियल इनटू अल्फा डेल्टा टी। अपन ने ये भी देखा कि भैया ये जो चेंज है जितना बढ़ रहा है, ये देखो ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल में इतना बढ़ा ना, तो ये जो बढ़ा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल के ऊपर भी डिपेंड किया कि था कितना इनिशियली, फिर उसके बाद अल्फा, एक कॉन्स्टेंट और एक टेम्परेचर। तो अपन ने देखा भाई जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। मान लो सेम मटेरियल का है ना, या दो अलग अलग मटेरियल है, एक का रेजिस्टिविटी कम, एक का रेजिस्टिविटी ज्यादा, तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर किया, इसमें चेंज इन टेम्परेचर किया, सेम चेंज इन टेम्परेचर, इसमें भी 10 डिग्री, इसमें भी 10 डिग्री, तो देखा जिसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसमें जो चेंज आया वो भी क्या आया, ज्यादा। तो अपन को पता चल गया कि भैया हाँ रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और दूसरा टेम्परेचर तो पता ही है, टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, दो चीज पता थी, तो एक के लिए अपन ने क्या बोल दिया कि और जो फैक्टर है उसके लिए कांस्टेंट डाल दिया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बस ये फॉर्मूला बन गया, फिर इन दोनों में से अल्फा आई कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो तो रहेगा, नोट्स बनाते रहना घर में बैठ के,
कहाँ टाइम मिलेगा लेकिन तुम लोगों को, इतने बिजी आदमी हो तुम लोग। चलो चलो, पावर वाला तो सेम, टेंथ में जैसा पढ़े थे ना वैसा ही अभी अपन करेंगे आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना, पूरा डिट्टो पावर का है एकदम सेम जो नाइन्थ में टेंथ में किए थे एकदम। लाइट आ गई, चलो 25 में रहेगा अब इसी। ₹5 का बिजली बिल आएगा क्या एक घंटे में? ठीक है, ₹10 रोज। बस क्या इसका पैसा हम लगते थे घर वाले चुरे ना, बेटा टी शर्ट फ्री में दिए नहीं मामा, कॉस्ट प्राइस में दे दी जितने की पड़ी उनको लॉस में जाके, तो बेटा वो तो बाहर है उनको क्या पसंद है। पूछे नहीं अपन को कितने की पड़ेगी ये टी शर्ट, बनवाएंगे तो बाहर। हाँ चलो आगे, अरे वो तो नाइन्थ वालों का था, टेंथ सॉरी टेंथ वालों का, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो पावर देखो, अब जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, ठीक है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, वही नाइन्थ वाला जो था वही है, ये इलेवेंथ में जब पढ़े थे वर्क पावर एनर्जी, तो वही वाला पावर है। एनर्जी किस रेट से आप दे रहे हो या ले रहे हो, दैट इज पावर, dW बाई dt, यस और नो, है ना। चलो तो अब अपन को पावर निकालना है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपने देखा कि भैया जब अपन ने पोटेंशियल डिफाइन किया था तो पोटेंशियल क्या डिफाइन किया था, वर्क डन बाई टाइम, सॉरी वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ये निकाला था अपन ने। अब भैया ये जो वर्क डन है ये क्या चीज का वर्क डन है, एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने का वर्क डन है, है ना। मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो एक ऑलरेडी चार्ज है उसके पास में दूसरा चार्ज को उठा के लेके आ रहा हूं तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, और मेरा वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल। अब जब अपन इसको यूज कर रहे हैं, मान लो बैटरी है, बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी है। अब बैटरी एनर्जी दे रहा है ना, तो वो कौन सी एनर्जी दे रहा है, वही एनर्जी तो दे रहा है जो आपने वर्क डन करी थी, जो आपने वर्क डन करी वो स्टोर हो गई, अब वो बैटरी वो एनर्जी को दे रहा है, और जो भी आपका लाइट पंखा इन सब चीज चल रहा है, यस और नो, है ना। तो आपने जो वर्क डन किया था यही वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट में। और अपन जब भी अभी पावर निकालेंगे तो ये अज्यूम करके निकालेंगे कि ये जो आपका, जब अपन हीट निकालेंगे तो हीट निकालने के लिए अपन ये अज्यूम करेंगे कि जितना भी एनर्जी है वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट में, है ना। बट पावर निकालने के लिए तो भाई किसी में भी कन्वर्ट हो रहा हो, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, बात समझ में आई। तो पावर आप डिफाइन करोगे लेकिन एनर्जी आप बोलोगे कि हीट एनर्जी में कब कन्वर्ट हो रहा है, जब आप मानोगे कि 100% आप जो एनर्जी दे रहे हो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट में, तो आपका वो हीट का फॉर्मूला आएगा। जैसे हीटिंग अप्लायंसेस जो होते हैं आपके, है ना, उसमें आप ये मान सकते हो कि मैक्सिमम पावर जो है वो पूरी की पूरी किसमें जाती है, हीट में, थोड़ी सी लाइट के लिए जाती है ना, जैसे वो कॉयल वगैरह होते हैं तो थोड़े लाल टाइप के हो जाते हैं, तो लाइट एनर्जी बहुत कम निकल रही है उसमें, पूरी की पूरी क्या निकल रही है, हीट। तो जब आपका 99% हीट में कन्वर्ट हो रहा है तब आप ये ऐसा मान सकते हो, ठीक है, ठीक है क्या। चलो तो वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज, तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपका, वी इंटू क्यू आ गया, और यही वर्क डन जो है ये आपका क्या, एनर्जी है। अब उसको या तो हीट एनर्जी बोल लो या नॉर्मल एनर्जी बोल लो। अब V into Q के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, I is equal to Q by T था, तो I Q के जगह क्या लिख दिया, I into T, बात समझ में आई। तो V I T, तो हीट का जो फॉर्मूला हो गया, हीट का या एनर्जी का वो एक फॉर्मूला हो गया V I T। अब यहां पर ओम्स लॉ V is equal to IR, इसको थोड़ा जल्दी इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि सेम डिट्टो पूरा का पूरा नाइन्थ में पढ़ा हुआ है और ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, बस ये दो डेफिनेशन थी, एक पोटेंशियल की और एक करंट की, दोनों में से वैल्यू पुट कर दिया, वर्क डन की एनर्जी आ गई V I T। अब ओम्स लॉ क्या है, V is equal to IR, ये वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दूं V के जगह, तो IR into I into T, तो एक और फॉर्मूला क्या बन गया पावर का, I square R T। फिर उसके बाद हीट का एक और फॉर्मूला, V I T था, I square R T था,
अब पहले अभी वी की वैल्यू पुट किया, अगर आई की वैल्यू देखूं तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी बाई आर आ जाएगी। अगर यहां पर आई की जगह वी बाई आर पुट करूं तो वी इंटू वी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। और अब पावर, पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम, तो तीनों में से टाइम हटा दो तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा वी इंटू आई या आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर। ये मैंने आपको पूरा एकदम बच्चों जैसे क्लास नाइन्थ के हिसाब से ही पढ़ाया है ना, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला आपको इसमें काम आना है पूरा का पूरा। अब इसी को थोड़ा अपन टी के जगह डी टी लिखते है ना और करते, तो बेसिक एकदम नाइन्थ का जैसा है वैसा मैंने आपको बताया है। हीट का फॉर्मूला तीन, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी बाई आर, या पावर का वी इंटू आई आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर, एक ही फॉर्मूले, तीनों एक ही फॉर्मूले हैं, बस ओम्स लॉ लगा के उनका रूप चेंज कर दिया गया है बस। ठीक है, फॉर्मूले। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो, जैसे कैपेसिटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, पोटेंशियल कंप्लीट हो चुका है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड पहला चैप्टर और दूसरे का भी मैं दो हिस्सा कर रहा हूं है ना, तो तीनों चैप्टर का मेरे को चाहिए शॉर्ट नोट्स। क्या चाहिए? सुपर शॉर्ट नोट्स, मतलब एक पेज में पूरा खाली, तुम्हारे बनाए हुए, तुम्हारे खुद के बनाए हुए सुपर शॉर्ट नोट्स मेरे को चाहिए। बात समझ में आई? मतलब खाली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो वो पूरा का पूरा एक एक पेज में एक चैप्टर। नहीं, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, जैसे मान लो कैपेसिटेंस और वो तो हो गया, अब जैसे ही ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जिस दिन खत्म हुआ उसके अगले दिन ही बनाना है, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उसके अगले दिन बनाना। अब पहले का तो हाँ संडे संडे कर बना लेना, ठीक है, मतलब सारे के सारे फॉर्मूले और अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो वो सुपर शॉर्ट नोट, मतलब आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको जो भी मदद लगे वो एक पेज पर पेपर में हो। बात समझ में आई? हाँ, चलो अब अपन करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने अभी कैपेसिटेंस पढ़ाया, वीडियो डाल रखा है यूट्यूब चैनल पर है ना, वहां पर जैसा सीरीज और पैरेलल किया था डिट्टो यहां पर करेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये आपके जो लेक्चर्स आ रहे हैं पूरे क्लास ट्वेल्थ के हर एक टॉपिक के आएंगे, दिसंबर से पहले हर एक टॉपिक के आ जाएंगे और वन शॉट वीडियोस भी आएंगे, तो ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, अगर इनको लाइव लेके जाना है तो अपन इनको लाइव भी लेकर के जा सकते हैं। अभी रिकॉर्ड हो रहा है, फिर मैं ला दूंगा, है ना, ठीक है। तो और दूसरी बात, अगर आप सूरजपुर में हैं या आसपास से हैं और अगर आप मेरे से फेस टू फेस यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7066-83000। ओके, पागल का फोन आ रहा है, 7066 अभी करूंगा। हाँ, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन करते हैं, सेम वही स्टेप्स। पहला स्टेप क्या था, जो पहला ड्रॉ डायग्राम। स्टेप टू क्या था, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो। स्टेप थ्री ओम्स लॉ लगा दो, जो भी फॉर्मूला वो लगा दो। स्टेप फोर वैल्यू पुट कर दो। यही सेम कैपेसिटेंस में किए थे और यही पूरा अब रेजिस्टेंस में करेंगे, दोनों सीरीज और पैरेलल। लेकिन ये पढ़ने से पहले अपन ये देख लेते हैं आर इक्विवेलेंट होता क्या है। सेम जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता था, बहुत सारे कैपेसिटेंस की जगह एक कैपेसिटेंस जिससे सर्किट में कोई चेंज ना आए, सेम वैसा ही होता है आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है ना, दो या दो से ज्यादा सीरीज का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, तो उन दोनों की जगह आप एक लगाओ, उन दोनों की जगह एक लगाओ और सर्किट में कोई चेंज ना आए। मतलब पहले जितना करंट दौड़ रहा था अभी भी वही करंट, पहले जितना पोटेंशियल डिफरेंस था अभी भी उतना ही। तो ये एक रेजिस्टेंस जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्लेस करता है उसको क्या बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट। डेफिनेशन लिख दूं क्या, आर इक्विवेलेंट इज अ रेजिस्टेंस दैट कैन रिप्लेस अ ग्रुप ऑफ resistance such that there is no change in the circuit। ठीक है, R equivalent is a resistance that can replace a group of resistance such that there is no change in the
सर्किट। बहुत सारे रेजिस्टेंस के ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस के जगह एक रेजिस्टेंस जिससे सर्किट में कोई चेंज ना आए उसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट निकालना है अपन को सीरीज और पैरेलल के लिए। सीरीज पैरेलल मैंने आपको ऑलरेडी अभी कैपेसिटेंस में बता दिया, जब एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा हो और इनके पवित्र रिश्ते को किसी तीसरे की नजर ना लगी हो तो उसको बोलते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। यू शुड बी प्राउड शेयरिंग दिस वीडियो, बट छोटे बच्चे ठीक है शेयरिंग नहीं करते हो तुम लोग। छोटे बच्चे करते हैं। हाँ, फोर्थ फिफ्थ के बच्चे अपना स्टेटस डालते हैं जब भी बोलो। हम भी थे 9 10 में, मेरे स्टेटस में ना भी फोटो डालता है, इनका फोटो डालता है, तो ये दिखा दूंगा चाहे भाई एडवेंचर वाला है स्टेटस डालता है। चलो आगे बढ़ते हैं, चप्पल पहन लेते हैं। आगे अब पहला सीरीज का कर रहे हैं, एकदम फास्ट कर रहा हूं, है ना, उतना पूरा इज्जत से लिख नहीं रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए एक बार कर दे रहा हूं, है ना। ये भी करंट जा रहा है आई, ये रेजिस्टेंस आर वन, ये आर टू, दोनों के जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिए जिसको क्या बोल दिए आर इक्विवेलेंट, क्या बोल दिए आर इक्विवेलेंट, करंट अभी भी आई, वोल्टेज वी। तो स्टेप वन ड्रॉ डायग्राम, स्टेप टू जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर दो। सीरीज में करंट सेम होता है, क्या डिवाइड होता है पोटेंशियल, इसको अलग से लिख भी सकते हो, इन सीरीज करंट रिमेन सेम पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड, और पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन सेम करंट्स गेट डिवाइडेड, ठीक है। तो अब वी वोल्टेज से मान लिया कि आर वन के अबाउट जो पोटेंशियल है वो वी वन और आर टू के अबाउट जो है वो वी टू, और करंट तो सेम रहेगा, जो यहाँ आई वही यहाँ आई, तो जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दिए, तो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। बट याद रखना एग्जाम में आप पूरा इज्जत से लिखोगे इन सीरीज करंट इज सेम एंड पोटेंशियल इज गेटिंग डिवाइडेड, सो लेट पोटेंशियल अबाउट आर वन इज वी वन एंड लेट पोटेंशियल अबाउट आर टू इज वी टू, सो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, पूरा इज्जत से लिखोगे। एक बार फिर से बोल देता हूं, इन सीरीज करंट इज सेम एंड पोटेंशियल इज गेटिंग डिवाइडेड, लेट द पोटेंशियल अबाउट आर वन इज वी वन एंड आर टू इज वी टू, सो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब तीसरा अप्लाई ओम्स लॉ सब में, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। यहां पर ओम्स लॉ लगाओगे तो वी इज इक्वल टू आई आर वन, यहां लगाओगे V2 is equal to I R2, यहां पर लगाओगे तो V is equal to I R equivalent। अब step 4 क्या था, step 3 की value को step 2 में put कर दो, तो V की जगह क्या put कर सकता हूं I R equivalent is equal to I R1 plus I R2, I ने I को बेरहमी से मार दिया, R equivalent की value आ गई R1 plus, easy derivation। आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटर से रटवा दिया हूं मैं, वाह। पैरेलल के लिए करें, अब पैरेलल के लिए सेम ड्रॉ डायग्राम, तो पहले पैरेलल का डायग्राम बना देते हैं, दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों एक बैटरी से कनेक्टेड हैं, वोल्टेज वी और टोटल करंट आई, दोनों के जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका नाम था आर इक्विवेलेंट, तो R1 और R2 के जगह R इक्विवेलेंट स्टेप 1 हो गया, ड्रॉ डायग्राम स्टेप 2, क्या डिवाइड हो रहा है करंट, अब I मान लो यहाँ गया I1, यहाँ गया I2, अब यहाँ पर भी आप इज्जत से लिखेंगे कि इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम करंट इज गेटिंग डिवाइडेड, सो लेट द करंट फ्रॉम R1 इज I1 एंड थ्रू R2 इज I2, ठीक है, तो करंट आपने लिख दिया, तो आप क्या लिखोगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। स्टेप 3 ओम्स लॉ लगाएंगे सब में, V इज इक्वल टू आई आर होता है, मतलब I इज इक्वल टू V बाई R, तो I1 इज इक्वल टू, अब वोल्टेज तो सेम है, यहां पर भी V, यहां पर भी V, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, और I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट, तीनों रेजिस्टेंस में यहां पर वोल्टेज V, करंट I। अब स्टेप 4 क्या है, वैल्यू पुट करना, I की वैल्यू कितनी है V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 के जगह V बाई R1, I2 के जगह V बाई R2, V ने V को मार दिया, V ने V को मार दिया, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2।
अलग से सीरीज पैरेलल का बना के डाल देता हूँ, थंबनेल में डालता हूँ, भूल से भी नहीं भूलोगे, ये स्टेप्स हैं। अब तो इतना पढ़ लिया है ना, ये समझ लो मैं साथी आठवीं बार पढ़ रहा हूँ, नहीं बारहवीं बार पढ़ रहा हूँ। हमको स्कूल में दो बार पढ़ते हैं, हम यही बोले टेंथ में छह से टेंथ में छह से आठ बार पढ़ चुके हैं टेंथ में, और अब यहाँ पे चार से छह बार आप प्लीज How to block someone? आ गया। आप आज तक देख रहे हो किसी को ब्लॉकिंग की हो गया? नहीं किया हूँ, अभी देख नहीं रहा था कहाँ है। रिकॉर्डिंग के बीच में अचानक से ना किसी दिन क्लास में ना बंद कर दूंगा। हाँ, हो गया सीरीज पैरेलल। एकदम बच्चों वाला क्लास नाइन्थ का सवाल दे रहा हूँ, टेंथ का वोल्टेज दिया है ना, क्या दिया है? अच्छा फाइंड करंट इन ऑल द रेजिस्टेंस, बच्चों वाला सवाल है, एक मिनट मिलेगा बस। अच्छा इसको 70 मान लो, इसको 70 10 तो एक आया, बाकी दोनों में निकालो, चलो आगे बढ़े। क्या कर रहे हो इतने सिंपल सिंपल सवाल तुम?
इधर देखो, 4 और 12 मिला के 3 ओम, 1/4 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 3, 4 और 3 7, 70 बाई 7 10, यहां से 10 एम्पियर का करंट आया। अब ये 10 एम्पियर का करंट बटा होगा इन दोनों में, दो तरीके निकालने के, पहले पूरा फुल प्रोसेस बता रहा हूं। 10 एम्पियर का करंट आया तो इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप 40 I into R, 40, 70 में से 40 यहाँ चला गया, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना 30, तो यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, तो यहाँ का करंट कितना हो जाएगा I is equal to V by R, इसमें करंट आ गया 30/4 और इसमें करंट आ जाएगा 30/12। साढ़े सात और साढ़े तीन, साढ़े सात और ढाई, हाँ ठीक है, इतना इजी था। चलो आगे देखो, आगे और एक आध क्वेश्चन और होमवर्क के लिए दे दे रहा हूं, है ना। हो गया, मैं कितने कर दूं, शायद एक और फाइनल लगा दूं। हां समझे, बैकग्राउंड में अच्छा चलो रुको, क्या है वो, क्या बस ऐसे ही बनाती हो? फाइंड करंट आई इफ वोल्टेज इज 30। बस ये हिंट दे देता हूँ, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल वो इस पॉइंट का पोटेंशियल, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल वो इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, कल और अच्छे अच्छे सवाल दूंगा। चलो बस आई निकालना है, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा लिखे नहीं हो क्या क्वेश्चन? लो लिखो क्वेश्चन, लिखो जल्दी से, करंट आई निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज और पैरेलल में बैटरी करते हैं। चलो सीरीज और पैरेलल में बैटरी को डेरिवेशन करते हैं। चलो बैटरी मतलब सेल्स हैं बहुत सारी कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में और पैरेलल में अगर है तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मतलब समझ गए ना, बहुत सारे की जगह एक जिससे कोई चेंज ना आए, इक्विवेलेंट बोल रहे हैं उसको, है ना। तो बैटरी का इक्विवेलेंट निकालना है, सेल्स का इक्विवेलेंट, अगर बहुत सारी सेल्स सीरीज में लगी हुई है, बहुत सारी सेल्स पैरेलल में लगी हुई है, तो ठीक है। तो अब बताओ, अगर सीरीज में लगी हुई है तो भाई सिंपल है, एक बात याद रखना, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस और बैटरी लगी हुई है तो आप उसको कभी भी आगे पीछे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है,
याद रखना सीरीज में, सीरीज में अगर है, एक ही सीरीज में अगर बैटरी और आपका रेजिस्टेंस है तो आप उसको आगे पीछे करो, कोई भी चेंज नहीं आएगा। मान लो इसका ईएमएफ है E1 और R1, E2 और R2, E3 और R3। अच्छा मैं बता दूं ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है, कान खोल के सुन लो सब कोई, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है, इज नॉट अ फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, क्या है वोल्टेज, याद रखना ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन वो फोर्स नहीं है, वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में बैटरी में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं जो केमिकल काम करते हैं, है ना, फोर्स लगाते हैं चार्जेस को और एक जगह पॉजिटिव इकट्ठा करते हैं, एक साइड नेगेटिव इकट्ठा करते हैं, तो इसलिए उसको अपन नाम दे देते हैं ईएमएफ, बहुत पहले का नाम डला हुआ है, बट बाद में अपन को पता चला कि भैया वो जो अपन ईएमएफ लिख रहे हैं वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप याद रखना जब भी आप ईएमएफ लिख रहे हो तो ईएमएफ क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी के अंदर के केमिकल्स वर्क कर रहे हैं चार्ज को इधर से इधर ले जाने के लिए, उसी को अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड दैट इज पोटेंशियल, ठीक है क्या, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ जब मैं E1 लिखा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का, फिर R1 रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ अब एक और बात सुनो यहाँ पर, अच्छा पहले तो मैं ये बता रहा था R1 और अगर E और R है तो उसको आगे पीछे लिखो, कोई भी चेंज नहीं आता। अब होता क्या है, जैसे मान लो एक बैटरी है, बैटरी लिखा है आप मार्केट से पॉजिटिव और नेगेटिव, मान लो 1.5 वोल्ट की आप बैटरी लेके आए हो, अब होता क्या है केमिकल अपना वर्क कर रहे हैं कुछ इधर से उधर लेके जाने के लिए, लेकिन जब उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो भाई उसका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जीरो रेजिस्टेंस अपन बना नहीं सकते नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, हाँ एकदम नेगेटिव डिग्री में ले जा करके बनाया जा सकता है, ठीक है, सुपर कंडक्टर बनाया जा सकता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो, मतलब करंट डाल दिए एक बार छोड़ दिए भाई चल रहा है अनंत काल तक, है ना, तो सुपर कंडक्टर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एकदम बहुत नेगेटिव टेम्परेचर है ना, जीरो में जाना पड़ता है टेम्परेचर में। अब यहां पर देखो, अब आपका ये क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव, अब इसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो इसका खुद का अंदर का भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो ईएमएफ क्या है वो पोटेंशियल जो ये जनरेट करना चाह रहा है, मतलब जो वर्कडन ये कर रहा है केमिकल, जो वर्कडन कर रहे हैं वो क्या है पर यूनिट चार्ज, वो ईएमएफ, लेकिन एक्चुअल में जो आपको यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, बात समझ में आई। ईएमएफ क्या है, जो बैटरी के अंदर का केमिकल है जो वर्क डन कर रहा है एक यूनिट चार्ज के लिए, वर्क डन बाय द केमिकल रिएक्शन इनसाइड अ बैटरी या इनसाइड अ सेल फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ, एंड द नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंड ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। बैटरी के एंड में प्लस और माइनस में नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि अंदर एक खुद भी तो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है इस ईएमएफ के साथ, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको डिनोट करते हैं किससे, आर से, किससे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, इज दैट क्लियर। तो अब बैटरी जब भी बनानी होगी, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो आप सीधे ईएमएफ, अगर खाली आपको ईएमएफ दिया है तो आप उसी मटेरियल का होगा ना, मटेरियल का इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ वही जो अंदर जो भी केमिकल जहां से करंट फ्लो कर रहे हैं मटेरियल जी, है ना। तो अब जब भी अगर आपको बोला है कि अ बैटरी ऑफ ईएमएफ दिस मच एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात किया है तो ही अपन लेंगे, अदरवाइज लेंगे नहीं, इज दैट क्लियर। खाली बोला है कि 2 वोल्ट की बैटरी, तो खाली 2 वोल्ट की बैटरी बनाओगे, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बनाओगे, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है या बताया है तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस लोगे, इज दैट क्लियर। चलो तो अब ये एक बैटरी है, देखो ये क्या है एक बैटरी जिसका उसके अंदर का ईएमएफ है E1 और रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरी सेल E2 और R2, ये तीसरी सेल E3 और R3। अब इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, सिंपल ईएमएफ अपने आप ऐड हो जाएंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अगर ऐसा है कुछ दिया हुआ है, मान लो ये 2 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, तो 8, 2, 10, 10, 5, 15 क्यों ऐड किए, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम थी, देखो प्लस वाला और माइनस उधर। लेकिन अगर कोई एक उल्टा होता, मान लो ये एक उल्टा होता, ठीक है ये ऐसा होता एक, तो ये एक माइनस में आप लिखते एक को, तो 8 और 2, 10, 10 माइनस 5, बड़ा कौन है इधर साइड वाला बड़ा है, तो नेट नेट इधर लिखते कितना 10 माइनस 5, 5,
बात समझ में आई? तो प्लस माइनस करोगे, तो मैं अभी लिखूंगा ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई वन ई टू ई थ्री की वैल्यू आप प्लस माइनस के साथ पुट करोगे. इज दैट क्लियर? चलो, तो अब सीरीज में क्या होता है, सबको आप कहीं पर भी आगे पीछे लिखो, कोई चेंज नहीं आता. तो सीरीज में एक्चुअल में आपका कोई डेरिवेशन है ही नहीं. सिंपल आप E इक्विवेलेंट लिख दोगे क्या, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, है ना. और R इक्विवेलेंट आप लिख दोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन. सीरीज में यही होता है, डायरेक्ट पैरेलल के लिए डिराइव करना है मेन. तो सीरीज में तो कुछ नहीं, सीरीज में बैटरी लगी है तो आप खुद बता सकते हो भाई, डेढ़ वोल्ट की बैटरी अगर एक ही डायरेक्शन में रखूंगा तो आप तीन को बोलोगे, और दोनों को उल्टी उल्टी रखूंगा तो आप बोलोगे नेट जीरो, कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, है ना. एक का डेढ़ इधर एक डेढ़ इधर कट गया आपस में. तो ये तो कॉमन सेंस है, सीरीज में बैटरी आप लगाते आए हो बचपन से, है ना. कोई भी खिलौना में आप दो बैटरी तीन बैटरी लगा रहे हो तो आप सारी को सारे को किसमें लगा रहे हो, सीरीज में. बात समझ में आई? वो आप बोलोगे सर वो दिखती तो पैरेलल है ऐसे लगी हुई तीनों, ऐसे है ना, यहाँ पर एक दो तीन, सर ये तो पैरेलल में दिख रही है. भाई पैरेलल में नहीं है, वो सीरीज में है. यहाँ पर जो रहता है वो ऐसे ज्वाइंट होता है, इसमें यहाँ वाला ऐसे ज्वाइंट होता है, और एक करंट आप यहाँ से निकालते हो एक करंट यहां से, तो वो सीरीज में है. देखो पूरी पूरे किसमें है, सीरीज में. तो कोई भी खिलौना जिसमें आप दो बैटरी तीन बैटरी लगा रहे हो, या कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें तीन चार बैटरी लगा रहे हो, तो सारी की सारी किसमें है, सीरीज में. सारी की सारी किसमें है, सीरीज में. बात समझ में आई? वो आपको दिखने में पैरेलल दिख रही है, लेकिन सारी की सारी सीरीज में. ठीक है, अगर आप इनमें देखोगे ना तो आपको साफ साफ ऊपर से दिखेगा, एक मेटल प्लेट ऐसे लगी होगी इन दोनों के बीच, एक मेटल प्लेट यहां लगी होगी और एक यहां से मेटल प्लेट का वायर गया होगा और यहां से ऐसे वायर निकला होगा. ठीक है, तो वो सीरीज में होती है पूरी. अब अपन लगा रहे हैं बैटरी को पैरेलल में, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट डिराइव करना है. ठीक है, एंड आज का ये आखिरी चीज है, पैरेलल में इक्विवेलेंट डिफाइन करना. तो सीरीज के लिए तो सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मुला लिख सकते हो, E1 plus E2 plus E3 plus E4, R1 plus R2 plus R3 plus R4. नोट्स बनाते जाना अभी, या घर जाके करके इस वीडियो को पॉज कर करके देख करके बना लेना, है ना. दो चार व्यूज भी आ जाएंगे. चलो आगे. अब सेल्स इन पैरेलल, सेल्स को किसमें रख रहे हैं, पैरेलल में. ठीक है, थक गया मैं, पानी की बोतल मेरी थी यहाँ, ठीक है जाओ तुम दौड़ के लेके आओ. लो लिख लो, बुढ़ापा आ गया. तो पैरेलल कल कर ले, पैरेलल कल कर लेता है, मैं थक भी गया हूँ अभी कल, लेकिन 6:45 में आ जाना और रेनकोट आज अभी ले लेना. और तुम्हारे तो घर की दुकान है, रेनकोट आज ले लेना, तुम बता दे रहा हूँ मैं. चलो तो आज की क्लास फिर यहीं पर एंड करते हैं, तीसरा लेक्चर ये हो गया है. आने वाले दो लेक्चर में ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मीटर ब्रिज, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वायर सारा चीज के साथ. ठीक है, किरचॉफ्स लॉ और आपका किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, सब चीज. तो अब कल अपन कर लेंगे इसका पैरेलल का और बाकी सारा चीज. ठीक है, चलो तो फिर आज इस क्लास को एंड करते हैं. अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार देना. थैंक यू.